सब एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराज टुडे आई विल डिस्कस क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। तो आज के डेट में डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो केस था हमने जगह बताया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में थ्री लॉ दिया गया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्शन रिएक्शन। उन तीनों लॉ को हम लोग डिफाइन करते हैं आप क्या करते हैं कि व्हाट इज द इनर्शिया, व्हाट इज द फोर्स एंड व्हाट इज द एक्शन एंड रिएक्शन। आज हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि पहले बात कर रहे हैं व्हाट इज द इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? द फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इंपल्स। यानी टोटल इंपैक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जैसे मान लो कि एक टेस्टर है, इस टेस्टर को हमने कितना फोर्स लगाया, सपोज दैट हमने एक्स न्यूटन का फोर्स इस पर लगाया ड्यूरिंग 30 सेकेंड, कितने समय के लिए 30 सेकेंड के लिए। तो टोटल इंपैक्ट ऑफ द फोर्स, हमने इस पर कुल कितना बल लगाया, तो अमाउंट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो ही हम फोर्स के अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम आर द कॉल्ड इंपल्स। तो टोटल इंपैक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नोन एज द इंपल्स। तो अब वही डिफिनेशन आ गया कि द फोर्स एक्टिंग ऑन विच बॉडी शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इंपल्स। इंपल्सिव फोर्स फॉर एग्जाम्पल हीटिंग, जंपिंग, डिवाइडिंग, क्रैकिंग, किकिंग, बहुत सारे। तो इंपल्स ऑफ ए फोर्स इज द मेजर ऑफ द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड इज द गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम फॉर द विच ऑफ द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। एंड दैट इज इंपल्स। इंपल्स इंपल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो अब हमारा ये रियल डाल दिया। तो अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो पहले हम सेकेंड लॉ को प्रूफी कर लेते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है क्या, उसके बाद हम इंपल्स के डिस्कस। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग डिफाइन करते हैं कि चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी इज द कॉज ऑफ फोर्स। तो चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी अगर लाने के लिए हम बात करें तो बी बटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा टी एम होता है मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी बटा टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो अगर इस रिजल्ट से हम आते हैं तो अब आता है कि चेंज द रेट, चेंज द रेट ऑफ, चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम और फोर्स एंड दैट। तो इसको हम ले सकते हैं इक्वल डेल्टा पी बाई डेल्टा। तो डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा मतलब इंटरवल ऑफ टाइम। तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमारा रिजल्ट आ गया। तो अब ये हो गया कि यह चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो अब इसको सकते हैं यह इक्वल टी इन डेल्टा पी बाई कॉन्स्टेंट। तो अब यहां टेक द लिमिट, टेक द लिमिट, टेक द लिमिट डेल्टा डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर हम यह लिमिट लेते हैं तो लिमिट लेने पर हमारा रिजल्ट क्या है, क्या हो जाएगा डीटी बाय डीटी। हाँ
अब यहाँ पे हमारे अंदर लिया इक्वल टू के डी बाई डी टी इन ब्रैकेट मोमेंटम पी की वैल्यू पुटअप कर दें। जब हम पी की वैल्यू पुटअप करेंगे अब हो गया एफ इक्वल के इन एम डी बी बाई एक। अब यह एक डिफिनेशन हो चेंज कर रहेगा पहला सेंटेंस का एक्सेलरेशन एफ इक्वल के शॉर्ट में लिख सकते हैं डी बी बाई एट इक्वल एक्सेलरेशन नीचे का बेटा पहला सेंटेंस का एक्सेलरेशन। तो इस के लिए हमारा रिजल्ट आ गया एफ इक्वल के एम ए या एफ इक्वल टू एम ए। यहाँ पे के की वैल्यू हम मान लेते हैं कॉन्स्टेंट है तो अब रिजल्ट हमारा आ गया एफ इक्वल टू इसी फॉर्मूले को हम यूज में करेंगे इंपल्स वाले के। तो इंपल्स का जो हमारा पूरा रिजल्ट इसमें दिखा हुआ है और यही मुख्य भी ऐसे ही लिख देना है। तो अब इसमें क्या कि इंपल्स निकालने के लिए क्या निकाले इंपल्स निकाले फोर्स इनटू। तो अब न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल डी टी बाई डी टी। तो आप यहां से क्लास में अप्लाई करें तो क्या भाई एफ डी टी इक्वल तो एफ डी टी। तो आप इसको जीरो टू पी डी टी साथ जिसको इंटीग्रेट करते हैं एफ इन डी टी इक्वल। अब पी के साथ P1 to P and initial to 5। तो इस केस में हम रिजल्ट को सॉल्व करेंगे हो जाएगा एफ जो हमने एवरेज जब जब को बाहर किया था तो 0 to P डी टी इक्वल टू पी वन टू पी। तो इस रिजल्ट को हम आगे सॉल्व करेंगे तो अब हो जाएगा इस बार सॉल्यूशन क्या है पी आ जाएगा कभी पी आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी इसके वेट को निकाल दिया जाता है या मन चलते हैं। अब चूंकि
सपोर्टेड है। अब यहाँ पे डर है कि सपोज है मान लो कि एम वन इज ग्रेटर देन यम यानी एम वन का जो मास है वह एम टू से क्या है ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर होगा वो नीचे आएगा और जो हल्का होगा वो ऊपर जाएगा, यानी दो कनेक्शन में अगर मोशन है तो हेवियर भी मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड लाइटर मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब यह अपवर्ड और एम टू हो जाएगा तो अब इसमें आएंगे तो उस कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कि अब यहाँ पर ए जो होगा वो अपवर्ड होगा और यहाँ पे ए जो होगा वो यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन वह नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन वह पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर निकालते हैं टोटल फोर्स, फोर्स ऑन एम वन मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका नेट फोर्स हो जाएगा एम वन, क्योंकि ये जिसने नीचे आ रहा है वो तो इसका अपोज करेगा क्योंकि टेंशन ऊपर लगा हुआ है, तो एम वन माइनस जी, एम वन जी माइनस टी इक्वल एम वन इंटू इसको हम इक्वेशन समझना। दूसरा इफेक्ट आप निकालते हैं फोर्स नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी, तो सेकेंड बॉडी वाला एम टू है, अब चूंकि यह ऊपर जा रहा है इसका टेंशन से ज्यादा है और वेट क्या कम है, इसलिए जब ऊपर जा रहा है तो हम टी से माइनस करेंगे इसको एम टू इन टी और इक्वल टू एम टू इन टी। अब यह हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा, इसको हम थोड़ा मछली नोट करेंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगा, तो एम वन जी माइनस टी इक्वल एम वन ए और टी माइनस एम टू जी इक्वल टू, ये हमारा सबके लिए है ये जरूरत पड़ेगी। तो अब इसके लिए अगर हम मान लो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो अब हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, माइनस टी एम टू इक्वल टी एम टी एम टू
कौन है हमको जी। अब यहाँ पे जिसको इधर ट्रांसपोज करते हैं जो है m1 m2g plus m1 m2g equal to p m1 plus p, इसको ट्रांसपोज करते प्लस ये सेम टर्म आगे हो जाए 2p m1 m2g इक्वल टू p, यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में जाएगा m1 plus m2। जब इतना कॉमन लेंगे और यहाँ से टी को सब्जेक्ट बनाते हैं टी इक्वल टू है 2 m1 m2 m1 plus m2। इट इज नेट टेंशन फॉर इन द फ्लो। तो अगर दो बॉडी अगर कनेक्टिंग मोशन में मूव कर रहे हैं तो नेट एक्सलेशन इतना ही रहेगा, लेकिन एक्सटेंशन के साथ इस रस्सी में इस रोप में कितना तनाव होगा, तो अब जो तनाव हम यहाँ भी निकाल सकते हैं और यहाँ निकाल सकते हैं, तो हर साइड में तनाव का अमाउंट तो अगर सेम होगा तो टेंशन के लिए फॉर्मूला हो गया 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस स्टडी एंड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस कनेक्टिंग मोशन रिलेटेड गिवन इन द लेक्चर। थैंक यू।